जी, अरे आपका ट्रेलर टीजर दिखा दिया, तो आई थिंक आप सबको पसंद आएगा हमारा टीजर. एंड रियली हम बहुत सॉरी बोलते हैं कि आज हम लेट हो गए. इट्स बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम, सो सो सॉरी. ओके, सब लोग रेडी होके बैठे थे लेकिन सब ट्रैफिक जाम में ही अटक गए. हकीकत है. ओके, जुबैर खान जी. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहली बात तो सच में एक्चुअली में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है जब एक्चुअली हम लोग टाइम पे नहीं आते. बिकॉज आई पर्सनली ट्राई के चाहे शूटिंग के सेट पे जाऊँ या कहीं और पे इवेंट पे जाऊँ या कहीं भी जाऊँ कि टाइम पे ही जाऊँ. डोंट लाफ यार, सच में. बट आज अनफॉर्चुनेटली दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, शायद लगा हम लोगों को, और तो शायद और बटरिंग करने की मुझे ज़रूरत है नहीं. एंड रिगार्डिंग द टीजर, I'm very much honored and thankful to everyone, to the producers especially, कि उन्होंने हम चारों पे इतना भरोसा जताया और इतनी responsibility दी कि हम चारों अपने characters को अच्छी तरीके से शिद्दत के साथ में निभा सके. तो बहुत अच्छा लगा और thank you so much for waiting and I'm glad that I'm here. Thank you. Now the sensation, Sapna ji. Sapna ji, हम आपके बचपन के रोल वालों से तो मिल चुके हैं, अब आपसे मिलते हैं. राम राम जी. मैं भी देखिए माफ़ी तो मैं भी मांगना चाहूँगी, लेकिन जुबैर की मम्मी की कसम, सच में ट्रैफिक था. हम झूठ नहीं बोल रहे हैं. और मेकअप तो देखिए दोनों हीरोइन इन्होंने सुंदर ही लिया है, तो इतनी ज़रूरत थी नहीं. विक्रांत की बीवी ने लेट करवाया. और आप तो चुप ही करो सर. और मैं भी आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मैं इनको यही समझाती ला रही थी कि दिल्ली की मीडिया सच में बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो मैं दिल से चाहूँगी कि एक बार आप अपने अपने लिए तालियां बजा दीजिए. आप लोगों ने इतना कोऑपरेट किया हमें, थैंक यू सो सो मच. और अगेन मैं रिकी भाभी का, विजय भाई का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी, नायर भाई का जो हमें भाई बाहर लेने आए और हमें इतनी अच्छी गाड़ी भेजी. थैंक यू नायर जी, थैंक यू सो मच. गाड़ी बहुत अच्छी थी, बाद में देखूंगी आपको. और जितने भी हमारे यहाँ को स्टार्स बैठे हुए हैं, विक्रांत का, विक्रांत की वाइफ खुशी का, जुबैर का, ये झूठा है, और अंजू का, बहुत बहुत थैंक यू मुझे झेलने के लिए, तब प्यार करने के लिए. हादी अली सर का, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत हादी सर ने की है. थैंक यू सर, आप लोगों ने इतना ट्रस्ट किया हम पे. हमारे एंकर जी का थैंक यू, बहुत बहुत मस्त है यार ये. और हमारी पूरी मीडिया का थैंक यू सो सो मच. और देखिए टीजर के बारे में मैं तहे दिल से कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे खुद ही अच्छा लग रहा है. ट्रेलर अभी दिखाया जाएगा शायद. यस, ट्रेलर दिखाया जाएगा, टीजर हम देख चुके हैं. पहले दोस्ती की नहीं थी किसी से, तो पता नहीं था, लेकिन अभी फ़िलहाल दोस्ती मुझे लगता है कि जो भी हम, अगर हम फ्रस्ट्रेट हैं तो दोस्तों से बात कर लो, आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं. अगर उनसे आप शेयर करते हैं, आप बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है या ये दिक्कत है, तो ऐसा लगता है कि या तो प्रॉब्लम बांट दी गई है या तो उन्होंने ले ली है. तो जैसे ये तीनों बैठे हैं अभी, तो फिलहाल हम बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में, तो मैं इनकी बहुत टांग खींचती हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है. अभी लगता है कि दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ है, हर इंसान को करनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ एक बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि आपने दोस्ती की है तो आप निभाइए, वरना किसी भी लालच में, लोभ में दोस्ती कभी मत कीजिए, क्योंकि उस दोस्ती का कोई फ़ायदा नहीं है. आई थिंक सपना जी, आपके गानों से जहाँ गोलियां चल जाती है, कहीं वो बहुत सी चीजें हो जाती हैं, तो इस फिल्म से आपका जो दर्शक है, आपको चाहने वाले, उन पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा? मैंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये फिल्म मैंने अपने लिए नहीं की है, मैंने उनके लिए की है जिन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज किया था, वो है मेरे फैन. फिल्म में पहले भी बहुत सारी ऑफर हुई थी, मैंने रिजेक्ट किया क्योंकि मुझे करनी नहीं थी.
लेकिन ये फिल्म की मुझे स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी और कुछ नया करने को भी मिला. और ये उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब है जो बोलते थे सिर्फ और सिर्फ एक ये डांसर है और डांसर ही रह जाएगी. अफकोर्स मैंने मेहनत की तो आज मैं एक एक्टर की उपाधि पे भी हूँ और इस प्लेटफॉर्म के लिए भी मैं उतनी ही मेहनत करूँगी जितनी मैंने एक डांसर होने के नाते की.